हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बस अ गर्ल इन दुबई। सो आज है सैटरडे और सैटरडे में हो रहा है बिल्कुल सिंपल ब्रेकफास्ट, पराठे, अचार एंड चाय, जो मुझे बहुत ही पसंद है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, सो यही बना लिया था। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड कीप वाचिंग टिल द एंड। कल इनको मॉल जाने का मौका मिला ऑगी को, तो देखिए ये पूरी जो दुकान थी ना, पूरी जो मॉल है सब उठा कर ले आए। I can copy. Hello friends, welcome back to my channel. Okay. So ये देखिए कितने सारे गेम्स उठा के ले आए हैं ये दोनों बाप बेटे मिलके। So which one you want to open first? This one. So बहुत एक्साइटेड था ये ओपन करने के लिए कल रात से, बट हमने ओपन करने नहीं दिया। अभी ये ओपन कर रहा है गेम। तो ये ऑगी ने चूज किया है आज ये गेम ओपन करने के लिए। इसका नाम है जंगल चेस। ये नॉर्मल चेस का ही गेम है, लेकिन ये बच्चों के लिए बनाया है। अगर आप देखते हैं इसमें जंगली जानवरों के तौर पे ये अलग अलग कैरेक्टर है, शेर, शेरनी, किंग और जो क्वीन है, और हाथी है, इसमें ऊंट है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग गेम है, ये काफी मजा आने वाला है इसको। इसको जो ओपन करेंगे, यूज करो अपने क्लॉज। हो गया तुम्हारा? जाओ जाके चाकू ले आओ, जाओ नाइफ। हाँ, जो है हमारे बचपन में अगर ऐसे गेम मिलते तो फिर तो हमारा बचपन कुछ और ही होता, कितना मजेदार होता। आजकल के बच्चों के पास कितने ऑप्शन होते हैं। बैठ जाओ नाइफ संभाल के। सो यस्टरडे वाज माय लकी डे एंड आई गॉट एवरीथिंग व्हिच आई वांट। इसको ओपन किया जाएगा। बैठ जाओ। हम रियली पेशेंस रखो, देखते हैं अंदर क्या है। विको रुको, बैठ जाओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमको मिला है जो कि ये कार्डबोर्ड गेम है, ठीक है। ये सब ये इसके कैरेक्टर्स हैं। I have lots of work, I cannot play now. So Baba? Play with Baba. तो हमारा ये चेस का गेम रेडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये हो गई हमारी येलो लाइंस, येलो टीम एंड ग्रीन टीम इज माइन। हाँ, ये सामने देखिए पॉन से चूहे को पॉन्स बनाया गया है। ये हमारे पैदल सिपाही है, और हाथी की जगह पे हाथी है, घोड़े की जगह पे घोड़ा है, ये ऊंट है, ये रानी है, ये राजा है। कल फ्रेंड्स मैंने आने के बाद सब्जियां तो अपनी रख दी थी, बट ये सब जो दूसरी ग्रोसरी की चीजें थी वो मैंने रख पाई थी। बहुत थक गई थी रात को, तो अभी ये सब अरेंज करना है। और लंच मैंने बना लिया है। आज लंच में खिचड़ी बनी है, क्योंकि और भी इतने सारे काम थे मेरे पास कि अगर मैं लंच बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर ली तो और काम से नहीं हो पाता। तो इसलिए मैंने लंच में खिचड़ी बनाई है। ये सब सामान इकट्ठा था, उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है कल की और परसों की, दोनों की। बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम नहीं मिलता। कभी कभी हो जाता है, रोज़ वीडियो डालना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, स्पेशली वीकेंड जब आ जाता है तो काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक दिन का गैप आ जाता है। सो डोंट वरी, मैं डालती रहूँगी अपनी वीडियो, बट कभी कभी एक दो दिन का गैप हो सकता है क्योंकि ज़्यादा काम हो जाता है वीकेंड में। सो अभी मैं ये सब सही करूँगी और उसके बाद लंच करेंगे। मैंने 2-3 महीने का ऐसा लग रहा है सामान उठा कर ले आया है, क्योंकि अब बार बार ना जाया नहीं जाता मॉल। आजकल ये कोरोना की वजह से बहुत कम ही निकलना होता है, तो कुछ चीज़ें नीचे सुपरमार्केट में मिलती नहीं है। तो इसलिए मैंने बहुत सारा उठा कर ले आई हूँ मैं ये सब। सो फ्रेंड्स, और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे ये मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ स्टील की, बहुत दिनों से मुझे ये चाहिए था, बट मैंने सोचा था इंडिया जाऊंगी तो लेकर आऊंगी, बट इंडिया से लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। सो ये मेड इन इंडिया ही है। और एक्चुअली मेरे पास एक कढ़ाई है स्टील की और मैं नॉनस्टिक अब यूज़ नहीं करती, तो एक कढ़ाई थी तो कभी कभी दो दो सब्जी एक साथ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो ये मैंने लिया एक स्टेनलेस स्टील का या ये कढ़ाई। और मेरा रोटी का जो तवा था वो भी टूट गया था, तो मैंने एक ये लिया है तवा। एंड आगे की कुछ शॉपिंग हुई है, उसके सारे जो क्लोथ्स है वो टाइट हो गए हैं। सो आगे की कुछ शॉपिंग नो नॉट नाउ। सो ये कुछ कपड़े टी शर्ट और शर्ट लिया है आगे के लिए। ये सब लुलू से लिया है। सो ये मेरा लुलू शॉपिंग हॉल है, लुलू से बहुत शॉपिंग करी है कल। सो ये देखिए दो टी शर्ट्स एंड एक शर्ट लिया मैंने। सो इसके पास बाहर पहनने के सिर्फ दो या तीन ही टी शर्ट थे, और क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर जाना नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा था कि चलो बाद में ले लूँगी। सो अब धीरे धीरे खुल रहा है तो मैं भी थोड़ा बहुत बाहर जाएंगे, तो थोड़ी उसके लिए कपड़ों की ज़रूरत थी, तो ये सारी शॉपिंग की है मैंने लुलू से। और ग्रॉसरी तो आपने देख ही ली, ये सबसे बेस्ट लग है मेरी शॉपिंग का पार्ट। अब मैं इसमें कुकिंग करके आपको रिव्यू दूंगी कि स्टेनलेस स्टील में ऑलरेडी यूज़ करती हूँ, बट उसका एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगी कि आपको भी यूज़ करना चाहिए और इजी होता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि मैं भी लेने से पहले सोचती थी कि लूँ या ना लूँ, सो लेने के बाद लगा कि सही डिसीजन था। सो चलिए अब मैं अपनी कुकिंग वगैरह लंच का प्रिपेयर करती हूँ और फिर बाद में मिलते हैं। देखो बिजनेस गेम लाए हैं और No, I'm not singing. चलो इस बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या है। बचपन में बहुत खेले इसको, व्यापारी बोल ए केयरफुल केयरफुल केयरफुल, छोड़ 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 इसको, छोड़ छोड़। इसको ओपन करेंगे, इसके अंदर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। बैठो यहाँ, बैठो बैठो यहाँ। अब देखते हैं इसके अंदर कितना सारा नोट मिलता है। First, we'll all get money. We'll get each one of us will get 10,000 rupees from the bank. Okay? 5,000. Mama, these are the houses. Each one of 1,000. Each one 8,000. Okay, 8,000 I'll give. 8,000. Who will get the maximum number? वहाँ शुरू होता है, लेकिन अब यहाँ से एक ऑर्डर बनाना है। So it will be like this. August 1st. हाँ. Do like this. Give me this. You have to do like this. पहले आप ही करो. No, but I will do. Okay, okay. Do you have to do like this? Eight. Augie got 8. What is Augie's here? Augie start from here. Count 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What is the city name you got? Jammu. Jammu. You want to buy Jammu? Yes. Say yes. So you have to pay 7,000 rupees. I don't even have it. Okay, Mama will help you to count. Count करके दो 7. नीचे से पकड़ो, बड़ा नोट है. 5,000. 6,000. 7,000. Give it to bank. Thank you, bank. And I'll give you a card of Jammu. You will become the owner of Jammu. Okay. That means Jammu Kashmir. Jammu only, not Kashmir. बहुत सालों के बाद ये बिजनेस गेम है जो हम बचपन में खेलते थे, वो खेल के बड़ा मजा आया। बहुत इंटरेस्टिंग होता है, मुझे बचपन में भी बहुत पसंद था ये गेम खेलना। तो हम ढूंढ रहे थे काफी टाइम से, यहाँ पे मिल नहीं रहा था और सोचे थे कि हम मार्च में जब इंडिया जाने वाले थे तो ले आएंगे, बट जाना हो नहीं पाया और यहाँ पे मिल गया तो ले आए। हमने बड़ा एंजॉय किया खेल के और ऑगी जब जेल गया तो रोने लगा था बट उसके लिए पहली बार था ये गेम, तो उसको समझ में नहीं आया कि जेल जाने का मतलब कुछ बुरा नहीं होता, बस ऐसे ही पैसे देने पड़ते हैं। सो मज़ा आया। अब हम वीकेंड ये गेम खेला करेंगे। इट्स वेरी वेरी नाइस गेम। ये देखिए अब बज रहे हैं 6:15 और मैं अभी अपने कपड़े ड्राई करने के लिए रख रही हूँ। इनके साथ गेम खेलते खेलते इतना लेट हो गया कि सुबह के कपड़े धोए हुए, मतलब सुबह नहीं धोए थे, अरे हाँ सुबह ही धोए थे, और अभी मुझे टाइम मिला है ये सब करने का। इतना सारा काम था, वीकेंड में भी आराम नहीं है। तो अभी मैं अपना ये काम ख़त्म करूँगी और मैं अपना व्लॉग भी यहीं ख़त्म करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।